नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है सीमेंट की चादरें। दोस्तों, सीमेंट की चादरों का जो साइज आता है ये इस प्रकार से, जिनकी अगर चौड़ाई हम देखें तो ये 1 मीटर की आती है और 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो भी मीटरों में ही काउंट की जाती है। हम हमारे हिसाब से सहूलियत के हिसाब से हम फीट में काउंट कर सकते हैं, किंतु इनकी जो लंबाई जो है मीटर में ही काउंट की जाती है, जैसे कि 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर इस प्रकार से जो है। और टोटल ये करीब 3.5 मीटर तक की जो है सीमेंट की चादरें आती है, मतलब 12 फीट तक आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट किया था कि 4 फीट की चादरें, सीमेंट की चादरें कितने की मिलेगी। दोस्तों, 4 फीट की नहीं आती, वो आती है 39 इंच की। अगर इंच में अगर बात करें तो 39 इंच होता है 1 मीटर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 5000 मुर्गियों के लिए अगर हमको फार्म बनाना है तो हमें कितनी सीमेंट की चादरें लगेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम इस प्रकार से ही सीमेंट की चादरें लगाना है। वैसे ये दूसरी कंपनी की है, जब मैंने फार्म बनाया था तब ये विशाखा कंपनी की लिया था, इंदौर से लोकल की कंपनी है। किंतु जो मैंने बाद के जो फार्म बनाए वो सारे मैंने चार मीनार कंपनी के ही परचेस किए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 5000 मुर्गियों के लिए हमको अगर इसी फार्म अगर बना रहे हैं तो कितने सीमेंट की चादरें लगेंगी हमको छत पर ढक रखने के लिए। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कुछ हमारा फार्म बनेगा। फार्म की टोटल चौड़ाई 30 फीट रहेगी, किंतु 15 फीट इधर रहेगी, 15 फीट इधर रहेगी। तो दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि 15 फीट हमारे फार्म की चौड़ाई है तो हमको 15 ही फीट चादरें चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है, हमें करीब 18 फीट की चादरें लगेगी, क्योंकि कुछ जो है चादरें आपस में ओवरलैप हो जाएगी, करीब 6-6 इंच, मतलब 12 इंच तो ये यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगी, मतलब 18 में से फिर 1 फीट कम हो गया। और करीब 1.5-2 फीट जो है फार्म के बाहर तक हमको सीमेंट की चादरें चाहिए, ताकि धूप भी कम से कम आए और बरसात का पानी भी फार्म से जो है दूर गिरे। तो दोस्तों, हमें जो है जो चादरें लगी 10 फीट की लगेगी और 8 फीट की लगेगी। अब दोस्तों, अब कितनी लगेगी उसके ऊपर हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे फार्म की लंबाई 130 फीट, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों, वैसे 3.28 हो रहा है, किंतु चादरें आपस में एक एक नाल जो है ओवरलैप होती है, तो इसके कारण जो है हमने ऊपर की जो मतलब 3-3 इंच को हमने छोड़ दिया। तो हम 130 में 3 का भाग करेंगे तो टोटल हमारी चादरें आ जाएगी 43, मतलब कि एक चादर एक साइड जो है इस प्रकार से, अगर हम एक चादर की बात करें 10 फीट की अगर बात करें तो हम एक साइड अगर लगा रहे हैं तो हमें 43 चादर लगेगी। तो हम 10 फीट जो है इधर भी लगाएंगे और हम इधर, मतलब दोनों तरफ हमको लगाना है, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, मतलब एक तरफ हमको 43 चादरें लग रही है तो दोनों 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमको दोनों तरफ लग रही चादर 10 फीट की, 2 का गुणा करनी है 86 चादर। दोस्तों, हमको 86 चादर ही नहीं लेना है, हमको नहीं 90 चादर लेना है। हम वो किस प्रकार से लेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और 8 फीट की भी जो चादरें हैं हमको 43 लगेगी, क्योंकि वो तो साइज तो दोनों का चौड़ाई में एक ही है, तो 43 चादर में इसमें भी हम 2 का गुणा करेंगे, टोटल 86 चादरें हो रही है। तो हमको इसमें भी 86 नहीं लेना है, हमको लेना है 90। दोस्तों, किस प्रकार से लेना है, अगर मान लो ये बरसात के समय में, दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी फार्म की सीमेंट की चादरें उड़ जाएगी। दोस्तों, एक्सीडेंटल होने का कोई नहीं बोल सकते, और बाद में अगर हम लेके आएंगे तो फिर हमें नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसा मेरे साथ में 3 फार्म पे हुआ है, और 3 फार्म पे 2-2, 3-3 चादरें उड़ गई, तो मेरे पास में एक्स्ट्रा रखी हुई थी जो मैंने आपको वीडियो बनाया, करीब मेरे पास तो करीब 50-60 चादरें एक्स्ट्रा रखी हुई है, अभी भी रखी हुई है। और मैं जो है, अगर मान लो इस प्रकार से एक्सीडेंट है हो, उसी के लिए मैंने उनको रख रखा है कि कल से कोई समस्या नहीं हो, और अगर हो भी जाए तो मैं उसको आसानी से और सेम डे में उसको रिप्लेस कर सकूं। तो दोस्तों, इसलिए आपको एक्स्ट्रा चादरें लेना है। तो दोस्तों, 10 फीट और 8 फीट की आपको मैंने बता दिया कि टोटल 86 चादर 8 फीट की लेना है, और 86 चादर आपको 10 फीट की लेना है। दोस्तों, अभी चार मीनार कंपनी की जो सीमेंट की चादरें हैं वो 165 रुपये पर मीटर के हिसाब से आ रही है। अगर आपको ज़्यादा अगर आप लेंगे और अगर आपके नज़दीक अगर रहेगा तो 1-2 रुपये इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं। दोस्तों, अभी जो मैंने बात किया वो 165 रुपये पर मीटर के हिसाब से चल रहा है, बहुत अच्छी कंपनी अपनी है, एशिया का नंबर 1 ब्रांड हम इसको बोल सकते हैं, HIL कंपनी का ब्रांड है, चार मीनार के नाम से हैदराबाद की कंपनी है। दोस्तों, अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे पास में जैसे मान लो 8 फीट की चादरें हैं, 8 फीट में हम 2.8 का गुणा करेंगे, मतलब कि 2.8 का भाग करेंगे तो निकल के आ जाएगा 2.43, मतलब कि हमें जो सीमेंट की चादर हैं वो 2.4 मीटर की है, उसमें 165 का गुणा करेंगे तो हमारा निकल के जाएगा कि 8 फीट की जो चादरें 402 रुपये की एक है। अब वैसे ही अगर हम 10 फीट में अगर हम 3.28 का गुणा करेंगे, सॉरी भाग करेंगे, तो करीब निकल के आ जाएगा वो 3 मीटर ही रहती है, 10 फीट की चादरें 3 मीटर रहती है, उसमें 165 का हम गुणा कर देंगे तो
503 रुपये की एक चादर पड़ेगी। मतलब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 8 फीट की एक चादर 402 रुपये की आएगी, 10 फीट की एक चादर जो है 503 रुपये की आएगी। मतलब 10 में हम 3.28 का गुणा का भाग करेंगे तो हमारा 3 मीटर निकल के आ जाएगा। उसमें हम 165 का रेट के भाग कर देंगे तो 503 रुपये की एक चादर निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि सीमेंट की चादरें जो है 10 फीट की, हमको हम टोटल 90 चादर लेके आएंगे तो उसमें 90 में हम 503 रुपये का गुणा कर देंगे तो हमारे 45,274 रुपये की सीमेंट की चादरें आ गई। और 8 फीट में जो है 8 फीट में भी हमें 90 चादरें लग रही है, उसमें हम 402 का गुणा कर देंगे क्योंकि 402 रुपये की एक चादर है तो 36,180 रुपये की आ रही है। तो दोस्तों दोनों का जो हम अगर सम करेंगे तो 9 × 2 = 18 मतलब 180 चादर हमारे फार्म पर आएंगे और हमें उनका टोटल जो अमाउंट है करीब 81,454 रुपये लगेगा। दोस्तों इसमें GST इंक्लूडेड होती है, ये बात ध्यान रखना कि जो भी ये रेट बताया है, अगर कोई फार्मर, अगर कोई दुकान वाला अगर आपसे अलग से इस रेट के अलावा अगर GST मांग रहा है तो वो गलत मांग रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें 18% GST होती है, ये इंक्लूड GST इंक्लूडेड है। अब दोस्तों अगर आप जैसे आप 200 चादरें पहुँचाने के लिए तो कंपनी नहीं पहुँचाएगी, मैंने करीब 600 चादरें बुलाई थी, दूसरे भी फार्मर हैं उनके साथ में, तो जो है फरीदाबाद से मैंने यहाँ पे सीमेंट की चादरें आई थी और बिल्कुल फ्री में आई थी, मुझे अलग से उसका कोई ट्रांसपोर्टिंग चार्ज नहीं देना पड़ा। किंतु दोस्तों अगर आपके यहाँ पे 200 चादरें अगर कोई भेजेगा तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो है आपको एक्स्ट्रा लग सकता है, इसमें मैंने ट्रांसपोर्टिंग इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपके पास में रहेगा तो कोई अलग कोई दिक्कत नहीं है, किंतु आप जो है HIL के जो है डीलर उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, HIL की साइट से भी आप परचेस कर सकते हैं, बढ़िया उनका रिस्पॉन्स रहता है, या फिर आप कहीं लोकल के डीलर से भी आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आप एवरेस्ट की भी ले सकते हैं, चार मीनार के अलावा दूसरी भी कंपनियां हैं जो आती हैं उनसे, उनका भी आप सीमेंट की चादरें ले सकते हैं। किंतु जिनके बारे में मुझे जानकारी है और जिनका प्रोडक्ट मैं यूज़ किया हूं तो उसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूं, इसलिए मैंने आपको ये प्रिपेयर किया है। उनका रेट भी जो है मार्केट से 10 रुपये कम रहता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि 81,454 रुपये में आपको 5,000 मुर्गियों के लिए सीमेंट की चादरें आ जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा, मैं क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको समझाना है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आए और तो आप किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।